तो स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सम्राट सर मैथमेटिक्स पर। आज के इस वीडियो में आप फिजिक्स सब्जेक्ट के लिए पूछे गए ऑब्जेक्टिव का सही आंसर की जानेंगे। अगर आपने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा आयोजित 8 फरवरी 2019 को फिजिक्स सब्जेक्ट के लिए एग्जाम दिए हैं और उनके सभी 35 ऑब्जेक्टिव का सही आंसर की जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को देख करके जान सकते हैं। यहाँ पर हमने जो भी आंसर दिया है पूरी तरह से कंफर्म होने के बाद ही दिया है, बुक से मिलाने के बाद। फिर भी कोई त्रुटि रह जाए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। यह जो है प्रश्न पत्र सेट कोड जे का ऑब्जेक्टिव है। आपका प्रश्न पत्र सेट कोड कोई भी रहे लेकिन ऑब्जेक्टिव सभी का सेम ही रहता है, सिर्फ नंबरिंग चेंज रहता है। तो आप इस वीडियो को देख करके आप अपना ऑब्जेक्टिव मिलान कर लीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपने कितना सही बनाया है। पहला ऑब्जेक्टिव, आदर्श एमिटर का प्रतिरोध होता है, तो सही ऑप्शन ए आंसर हो गया 0। क्वेश्चन नंबर 2, यदि 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर एक संधारित्र की संचित ऊर्जा 1 जूल हो तो संधारित्र की धारिता होगी, तो 2 का सही ऑप्शन बी आंसर हो गया 2×10⁻⁴ फैराड। क्वेश्चन नंबर 3, विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक होता है, तो इनका सही ऑप्शन डी आंसर हो गया 0। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, तो इनका सही ऑप्शन डी आंसर हो गया हीरा। क्वेश्चन नंबर 5, प्रत्यावर्ती धारा के वर्गमूल माध्य मान और शिखर मान का अनुपात है, तो इनका सही ऑप्शन बी आंसर हो गया 1/√2। क्वेश्चन नंबर 6, लैम्डा तरंग दीर्घ वाले फोटोन की ऊर्जा होती है, तो इनका सही ऑप्शन बी आंसर हो गया SC/λ। क्वेश्चन नंबर 7, डायनमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है, तो इनका सही ऑप्शन बी आंसर हो गया विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। क्वेश्चन नंबर 8, 60 वाट तथा 40 वाट के दो बल्ब यदि श्रेणी क्रम में जोड़े जाए तो उनकी सम्मिलित शक्ति होगी, तो इनका सही ऑप्शन डी आंसर हो गया 24 वाट। क्वेश्चन नंबर 9, यदि किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर के प्राथमिक एवं द्वितीयक में क्रमशः N1 और N2 लपेटे हैं तो इनका सही ऑप्शन बी आंसर हो गया N2>N1। क्वेश्चन नंबर 10, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, तो इनका सही ऑप्शन सी आंसर हो गया V²/R। क्वेश्चन नंबर 11, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में यदि धारा I एवं वोल्टेज के बीच कलांतर फाय हो तो धारा का वाटहीन घटक होगा, तो इनका सही ऑप्शन सी आंसर हो गया I sin φ। क्वेश्चन नंबर 12, पृथ्वी के किसी स्थान पर एक टीवी प्रेशर टावर की ऊंचाई 245 मीटर है जिनकी अधिकतम दूरी तक इस टावर का प्रसारण पहुँचेगा वह है, इनका सही ऑप्शन सी आंसर हो गया 56 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 13, आयाम अधिमिश्रण में अधिमिश्रित सूचनांक होता है, तो इनका सही ऑप्शन बी आंसर हो गया 0 से 1 के बीच। क्वेश्चन नंबर 14, बेलनाकार लेंस का व्यवहार किया जाता है आंख के उस दोष को दूर करने के लिए जिसे कहा जाता है, इनका सही ऑप्शन सी आंसर हो गया एस्टिगमेटिज्म, जिनको हम ओ बिंदुकता बोलते हैं। तो यहाँ पर बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहे होंगे बेलनाकार लेंस को लेकर के, वे जरा दृष्टिता में मार के आए हैं, लेकिन इनका सही ऑप्शन 14 का सही ऑप्शन सी आंसर हो गया एस्टिगमेटिज्म। क्वेश्चन नंबर 15, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र BH में यदि किसी चुंबकीय सुई के दोलन की आवृत्ति N हो तो, इनका सही ऑप्शन डी आंसर हो गया N²=1/BH। क्वेश्चन नंबर 16, अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति है, इनका सही ऑप्शन ए आंसर हो गया स्थिर। क्वेश्चन नंबर 17, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान होता है, तो इनका सही ऑप्शन सी आंसर हो गया 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 18, +10μc एवं -10μc के दो बिंदु आवेश वायु में परस्पर 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं, निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी, इनका सही ऑप्शन सी आंसर हो गया -2.25 जूल। क्वेश्चन नंबर 19, सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम होता है, तो इनका सही ऑप्शन ए आंसर हो गया सतत। क्वेश्चन नंबर 20, समान समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की आवर्धन क्षमता होती है, तो इनका सही ऑप्शन ए आंसर हो गया -FO/FE। क्वेश्चन नंबर 21,
नैंड गेट का बुलियन व्यंजक है। तो इनका सही ऑप्शन डी आंसर हो गया, वाई बराबर बार ए डॉट बी। क्वेश्चन नंबर 22, प्रकाश के रंग का कारण है। इनका सही ऑप्शन ए आंसर हो गया, इसकी आवृत्ति। क्वेश्चन नंबर 23, चुंबकीय क्षेत्र बी में अवस्थित एम चुंबकीय आघूर्ण वाले धारा पास द्वारा अनुभूत बल आघूर्ण का मान होता है। तो इनका सही ऑप्शन ए आंसर हो गया, टोर बराबर वेक्टर एम क्रॉस वेक्टर बी। क्वेश्चन नंबर 24, ताप बढ़ने से अर्धचालक की विशिष्ट प्रतिरोध, इनका सही ऑप्शन बी आंसर हो गया, घटता है। 25, एक उत्तल लेंस को पानी में डुबाया जाता है तब यह व्यवहार करता है। तो इनका सही ऑप्शन ए आंसर हो गया, उत्तल लेंस की तरह। क्वेश्चन नंबर 26, दो लेंस की क्षमता -15 डायोप्टर तथा +5 डायोप्टर है तो संपर्कित संयुक्त करने पर समायोजन की फोकस दूरी है। तो इनका सही ऑप्शन बी आंसर हो गया, -10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 27, एक तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, यदि इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6×10⁻¹⁹ कूलम हो तो प्रति सेकंड तार में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या है। तो इनका सही ऑप्शन बी आंसर हो गया, 6.25×10⁻¹⁸। क्वेश्चन नंबर 28, आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक होता है। तो इनका सही ऑप्शन ए आंसर हो गया, कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 29, किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर +Q आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स होगा। तो इनका सही ऑप्शन बी आंसर हो गया, क्यू बटा ई नोट। क्वेश्चन नंबर 30, LR परिपथ का शक्ति गुणांक होता है। तो इनका सही ऑप्शन बी आंसर हो गया, R√R² + W² L² क्वेश्चन नंबर 31, विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है। तो सही ऑप्शन डी आंसर हो गया, वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर बी के समांतर। क्वेश्चन नंबर 32, स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाता है तो उत्पन्न ऊष्मा का मान होगा। इनका सही ऑप्शन बी आंसर हो गया, दुगुना। क्वेश्चन नंबर 33, एन अपवर्तनांक तथा ए प्रिज्म कोण वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण होता है। तो इनका सही ऑप्शन बी आंसर हो गया, N-1×A। क्वेश्चन नंबर 34, जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की राशि अपने प्रारंभिक परिमाण से आधी हो जाती है उसे कहते हैं। इनका सही ऑप्शन बी आंसर हो गया, अर्ध आयु। क्वेश्चन नंबर 35, किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर तरंग गाग्र होता है। इनका सही ऑप्शन ए आंसर हो गया, गोलाकार। इस प्रकार से आपने फिजिक्स के सभी 35 ऑब्जेक्टिव का सही आंसर की जाना। कोई त्रुटि नज़र आए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप मैथमेटिक्स का सजेशन चाहते हैं और उनका ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन जानना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर आपको रेस्ट बचे आपके सब्जेक्ट का भी आंसर की आपको मिलेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।